पिछले 3 दिन से लगातार रुक रुक होकर हो रही बारिश ने आखिरकार बद्रीनाथ और राष्ट्रीय राजमार्ग पर मुसीबत ढा दी है, जहां जगह जगह भारी भूस्खलन और सड़कें बंद होने की खबरें आ रही हैं। भारी बारिश के बीच 4 लोग कल लामबगड़ में नदी के उस पार फंस गए, जिसके बाद SDRF ने भारी बारिश के बीच उफनती गंगा में रस्सी लगाकर 4 लोगों को रेस्क्यू करके सकुशल बचा लिया। और इस बीच आपको सीधे ले चलते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हमें भविष्य की तैयारी भी अभी से प्रारंभ करनी होगी और उसकी तैयारी हर एक जनपद में प्रारंभ हो चुकी है। मैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा कि किसी भी जनपद में सर्वाधिक जनप्रतिनिधियों ने अब तक जो मैंने विजिट किया है प्रदेश के अंदर, उसमें सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन ऑक्सीजन प्लांट के लिए यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने किया है और वे सचमुच अभिनंदनीय है। यह अभिनंदनीय है कि उन्होंने अपने अपने विधानसभा या अपने अपने संसदीय क्षेत्र में यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लगाने के लिए अपने स्तर पर प्रयास प्रारंभ किए हैं। ये बेहतर पहल है। ये लड़ाई हमारी एक सामूहिक रूप से कोरोना के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई है और हर एक व्यक्ति को इस युद्ध में मिलकर के लड़ना होगा। मेरी आप सबसे भी अपील है, कोरोना के खिलाफ ये लड़ाई पूरे देश की लड़ाई है और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमारा दायित्व बनता है एक एक व्यक्ति की जान को बचाना है। हमें जीवन भी बचाना है, व्यक्ति की जीविका को भी बचाना है। जीविका को बचाने के लिए सरकार ने कोरोना कर्फ्यू लगाया है, उद्योग चले, सामान्य गतिविधियां हमारी यहां पर चलायमान रहे, किसी प्रकार की कोई समस्या यहां पर न हो, इसके बारे में हम लोगों ने एक व्यवस्था की है। उद्योगों में कोविड केयर सेंटर और कोविड हेल्प डेस्क बनाने की कार्रवाई, गरीबों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज से कल से प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था प्रारंभ हो चुकी है। राज्य सरकार जून जुलाई अगस्त में प्रदेश के अंदर उन सभी 15 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन की व्यवस्था करी रही है। साथ साथ मैंने सभी जनप्रतिनिधियों से भी और जिला प्रशासन से भी कहा है कि कोई भी जरूरतमंद किन्हीं कारणों से अगर उसका राशन कार्ड नहीं है या राशन कार्ड निरस्त हो गया था, उसके पास कोई आजीविका का साधन नहीं, उसका राशन कार्ड बनवाइए, उसको खाद्यान्न उपलब्ध करवाइए। जिन लोगों की जीविका प्रभावित हुई है, स्ट्रीट वेंडर हैं, रिक्शा ई रिक्शा ठेला खोमचा लगाने वाले नाविक हैं, धोबी है, नाऊ है, मोची है, माली है, हलवाई है या और भी अन्य ऐसे लोग जो प्रतिदिन कमाने वाले लोग थे, इनकी आजीविका प्रभावित हुई है। अभी इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।